हेलो फ्रेंड्स, मेजरिंग ऑफ पैरामीटर्स। दोस्तों, इस लेक्चर में मेजरमेंट ऑफ पैरामीटर्स जानेंगे कि मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेसिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी ब्रिज से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस देखते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस देखने के लिए सबसे पहले हम लोग हेज ब्रिज का यूज़ करते हैं। हेज ब्रिज का यूज़ करते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद हेज ब्रिज, एंडरसन ब्रिज, उसके बाद मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, कैपेसिटेंस ब्रिज होगा दोस्तों, कैपेसिटेंस ब्रिज, फिर उसके बाद दोस्तों मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, फिर उसी तरह दोस्तों मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस, डी शॉर्टेस्ट ब्रिज एंड शेयरिंग ब्रिज। कौन कौन से दो ब्रिज दोस्तों मेरे, डी शेयरिंग ब्रिज एंड डी शॉर्टेस्ट ब्रिज। दोस्तों इन सभी ब्रिज को हम लोग डीपली पढ़ेंगे, उसके मेन मेन पॉइंट्स, मेन मेन फॉर्मूले, उसके डायग्राम देखेंगे। तो अभी कौन कौन से कैपेसिटेंस रेसिस्टेंस को कौन कौन से ब्रिज से मेजर करते हैं वो देख रहे हैं। तो मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, तो मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस को व्हीटस्टोन ब्रिज से करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, फिर केल्विन्स डबल ब्रिज से। दोस्तों यह हमारी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कौन से रेसिस्टेंस इंडक्टेंस किससे हम लोग फाइंड करते हैं, कौन से ब्रिज से फाइंड करते हैं, यह हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए वाइंस ब्रिज और क्यू मीटर का यूज करते हैं, वाइंस ब्रिज का और क्यू मीटर का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों हम लोग की ये जो है मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस किससे करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस में दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं, सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस इंडक्टेंस ब्रिज देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस ब्रिज देखेंगे दोस्तों। मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस ब्रिज में यह है कि इसमें हम लोग अननोन रेसिस्टेंस को लेते हैं। ठीक है, अननोन रेसिस्टेंस को लेते हैं, फाइंडिंग कंपेयरिंग द नोन वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इसमें दोस्तों हमारा अननोन रेसिस्टेंस निकालना होगा और इंडक्टेंस का वैल्यू दिया होगा। ठीक है, यह इसका डायग्राम है, डायग्राम में देखिए, डायग्राम में हमारा यहाँ पे ये है, एल है, आर वन है, आर टू है, दे रखा होगा दोस्तों, उसके बाद आर थ्री, आर फोर हमारा दे रखा होगा, और मुझे एल वन एल टू दे रखा होगा, आर फोर आर थ्री की वैल्यू निकालनी होगी। तो ये हमारा मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज है। कौन सा ब्रिज है दोस्तों, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। ठीक है, यह हमारा दोस्तों मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज है। मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज का इसमें देख सकते हैं, इसमें कौन कौन सा, इसमें अननोन दोस्तों हमारा ये है, ये अननोन है दोस्तों, ये नोन है, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। दोस्तों इसमें भी हम लोग अननोन रेसिस्टेंस का फाइंड करते हैं, अननोन रेसिस्टेंस इसमें हम लोग फाइंड करते हैं, मेजरिंग विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड कैपेसिटेंस। दोस्तों वहां पे इंडक्टेंस था तो यहाँ पे कैपेसिटेंस है। ठीक है दोस्तों, तो उसका फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पे ये है, एल वन इजकल टू आर टू इंटू आर थ्री इंटू सी फोर। दोस्तों इसमें हमको रेसिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली है विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड वेरिएबल कैपेसिटेंस। ठीक है दोस्तों, तो स्टैंडर्ड वेरिएबल कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालने के लिए तो हम लोग यहाँ पे उसके डायग्राम में देख सकते हैं, ये यह हमारा दोस्तों कैपेसिटेंस लगाए हुए हैं विद द पैरेलल ऑफ रेसिस्टेंस। फिर यहाँ पे दोस्तों हमारा इंडक्टर है, रेसिस्टेंस आर वन आर टू आर थ्री, ये सब को हम लोग दोस्तों ये सब फॉर्मूला हम लोग डेराइव करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे केवल डेराइव इस दोस्तों इसका देखना है। तो मेरे ब्लॉग पे इसका पीडीएफ है, वहाँ पे आप मेजरमेंट ऑफ पैरामीटर्स में जाइए और बिल्कुल अच्छी तरह से उसका डेरिवेशन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे उसका फॉर्मूले लिखा हुआ है, फॉर्मूले देखिए जो जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो फॉर्मूले हमारे आर वन बाई आर टू, आर थ्री बाई आर फोर, और एल वन की वैल्यू जो है आर टू इंटू आर थ्री इंटू सी फोर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर जो है ओमेगा एल वन बाई आर, ओमेगा सी इंटू आर। ठीक है दोस्तों, यह क्वालिटी फैक्टर को भी मेजर करता है। ठीक है दोस्तों, यह हमारा क्वालिटी फैक्टर को भी मेजर करता है, इसलिए इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे, क्वालिटी फैक्टर को भी मेजर करता है। ठीक है, ये जो अंडरलाइन करने वाली बात है, क्वालिटी फैक्टर को मेजर करता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस। दोस्तों मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस में हेज ब्रिज और एंडरसन ब्रिज हम लोग देखे, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस देख लेते हैं। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस देखने के लिए
पहले आते हैं हम लोग शेयरिंग ब्रिज, कौन आते हैं शेयरिंग ब्रिज पे आते हैं दोस्तों, शेयरिंग ब्रिज यह यूज किया जाता है मेजरिंग ऑफ कैपेसिटेंस, इट इज यूज फॉर मेजरिंग ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। दोस्तों इसका यूज हम लोग करते हैं मेजरिंग ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है दोस्तों। इसका इसका कैपेसिटेंस हम लोग मेजर करते हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसमें हम लोग एसी सोर्स लेते हैं, इसमें कौन सा लेते हैं एसी ब्रिज का यूज करते हैं, इट इज यूज इन एसी ब्रिज, इसको हम लोग एसी ब्रिज में भी यूज करते हैं। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गई दोस्तों। फिर इसका हम लोग डायग्राम देखते हैं, तो डायग्राम में दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि यह सी वन का हमारा कैपेसिटेंस है, आर वन रेसिस्टेंस है, सी टू हमारा यहाँ कैपेसिटेंस है, आई टू करेंट जा रही है। फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कैपेसिटेंस के पैरेलल में हमारा ये है रेसिस्टेंस, ये है रेसिस्टेंस है, ठीक है दोस्तों आर्थिक। तो इसको हम लोग इसका फॉर्मूला हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो आर वन इजकल टू आर थ्री इंटू सी फोर बाई सी टू हो गई दोस्तों। और यदि इसको और डिराइव करेंगे तो सी वन इजकल टू सी टू आर फोर बाई आर थ्री, डी इजकल टू ओमेगा सी फोर इंटू आर फोर। दोस्तों यह हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, इसको इग्नोर नहीं करेंगे दोस्तों, इसको इग्नोर नहीं करेंगे, बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करेंगे, इसको याद करेंगे। इसका याद करने का एक ही ट्रिक है, जैसे कि इसमें हम लोग कैपेसिटेंस निकालना है, इसमें रेसिस्टेंस है, तो आर वन बाई आर थ्री सी फोर बाई सी टू लगा देंगे तो यहाँ से आ जाएगी, डी के वैल्यू इससे कंपेरिजन कर देंगे तो ओमेगा सी फोर इंटू आर फोर, बहुत ईजी है इसको याद करना। डी शॉर्टेस्ट ब्रिज अब आता है दोस्तों, डी शॉर्टेस्ट ब्रिज में हम लोग, ये हमारे डी शॉर्टेस्ट ब्रिज है, तो इसमें कैसे निकालते हैं कंपेयरिंग टू वैल्यू ऑफ कैपेसिटर। इसमें दोस्तों हम लोग दो कैपेसिटेंस, दो टू वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस का ये करते हैं, मेजर करते हैं यहाँ पे, ये जो है टू वैल्यू ऑफ कैपेसिटर का मेजर करते हैं, और इसका जो इसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करके इसको निकालते हैं, जिसका हम लोग फॉर्मूला सिंपली देखेंगे दोस्तों। दोस्तों यू आर इंटरेस्टेड टू सी द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, सो काइंडली गो टू इन माई ब्लॉग, ओके फ्रेंड्स। तो इसका ये फॉर्मूला है दोस्तों, ये फॉर्मूला है ओमेगा वन बाई जे ओमेगा सी वन इंटू आर फोर वन बाई जे ओमेगा सी टू इंटू आर थ्री। यह दोस्तों हमारा सिंपल सा एक डायग्राम है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं सी वन सी टू आर वन आर टू है दोस्तों, यह हमारा इसमें इसमें एसी सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। डी शॉर्टेस्ट ब्रिज हमारा क्लियर हो गया, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे दोस्तों हम लोग हेज ब्रिज, हेज ब्रिज हम लोग जानते हैं, पहले देख चुके थे, यह मेजरिंग करता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दी सर्किट। हेज ब्रिज में हम लोगों ने देखा था कि यह डिटरमाइनिंग द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है, यह सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। यह दोस्तों एडवांस फॉर्म होता है, यह दोस्तों एडवांस फॉर्म होता है किसका, मैक्सवेल ब्रिज का, मैक्सवेल ब्रिज का यह एडवांस फॉर्म होता है। अब आते हैं दोस्तों इसके डायग्राम के बारे में आते हैं, डायग्राम हम लोग बहुत अच्छी तरह से क्लियर से समझेंगे, इसके फॉर्मूला जरूर याद करेंगे दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, डेरिवेशन आप ब्लॉग पे मैंने जाकर देखिए तो एक बार फॉर्मूला किस तरह डेरिवेशन हुआ वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ के ये है इंडक्टर है, रेसिस्टेंस है आर टू है, सी फोर है, फिर इसका रेसिस्टेंस है, तो इसको हम सॉल्व करने के बाद जो हमारी फॉर्मूला जो आती है दोस्तों, एल वन इजकल टू आर टू इंटू आर थ्री इंटू सी फोर, और इसको पूरा हम लोग यदि क्यू क्यू फैक्टर में, यदि हम उसको क्यू फैक्टर में सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो हमारी आर टू इंटू आर थ्री इंटू सी फोर वन प्लस वन बाई क्यू के स्क्वायर आती है। दोस्तों हमारे यहाँ क्यू जो है क्यू फैक्टर है, क्यू फैक्टर हम लोग जानते हैं दोस्तों, ओमेगा एल अपन आर इन द केस ऑफ इंडक्टर होती है दोस्तों, और वन बाई ओमेगा सी आर इंटू कैपेसिटेंस के केस में होती है दोस्तों। अब आते हैं हम एंड्रेसन ब्रिज, क्या आते हैं दोस्तों एंड्रेसन ब्रिज, एंड्रेसन ब्रिज में आते हैं, एंड्रेसन ब्रिज क्या होती है देखिए दोस्तों, एंड्रेसन ब्रिज जो होती है इट गिव्स द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, इट इज द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट और नॉन कैपेसिटेंस का दोस्तों हम लोग यूज करते हैं। इसमें ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें हम लोग नॉन कैपेसिटेंस का यूज करते हैं टू द नो द वैल्यू ऑफ अननोन इंडक्टेंस। इसमें दोस्तों हमारा इंडक्टेंस जो है दोस्तों, इसमें इंडक्टेंस हमारा अननोन रहेगा इसमें, और इसके बाद कैपेसिटेंस नोन रहेगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू दी रखी रहेगी और अननोन की निकालनी होगी। पहले ही जानते हैं दोस्तों हम लोग एंड्रेसन और हेज ब्रिज को हम यूज करते हैं मेजरिंग फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, तो यह पहले ही हमारा क्लियर है, ठीक है। तो यह फॉर्मूला है दोस्तों हमारा आर वन बाई
आर वन इजकल टू आर वन इंटू आर थ्री अपॉन आर फोर माइनस आर वन। दोस्तों यह हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको देख लीजिए और इसको भी देख लीजिए। तो इसमें इसका इसका सिंपल डायग्राम ये, जो कैपेसिटेंस जो है हमारा पैरेलल है किसके, सीडी के पैरेलल है दोस्तों, और एल वन इंटू आर वन हो गई दोस्तों ये। दोस्तों ये हमारा रेसिस्टेंस है, फिर उसके बाद ये हमारा रेसिस्टेंस है, ये इसके दोनों के पैरेलल है, ये देख रहे हैं यहाँ दोनों पैरेलल है। तो इसका फॉर्मूला डेराइव करने के बाद दोस्तों हमारा फॉर्मूला जो है आर वन इजकल टू आर वन इजकल आर वन इंटू आर थ्री माइनस आर वन अपन आर फोर आती है। ठीक है दोस्तों, वैल्यू यहाँ से देख लेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद इसकी टोटल डेराइव फॉर्मूला जो है दोस्तों, एल वन इजकल टू सी आर थ्री अपन आर फोर इंटू फोर आर फोर प्लस आर टू प्लस आर टू। ठीक है दोस्तों, यह फॉर्मूला है दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं केल्विस डबल ब्रिज। केल्विस डबल ब्रिज इट इज यूज टू मेजरिंग लोड रेसिस्टेंस। दोस्तों इसको हम यूज करते हैं, केल्विस डबल ब्रिज इट इज यूज टू मेजरिंग द लोड रेसिस्टेंस लेस देन 1/10 ओम। इसको हम यूज करते हैं लोड रेसिस्टेंस लेस देन 1/10 ओम का। फिर उसके बाद इसका जो वैल्यू है दोस्तों पी वाई क्यू आर वाई एस, यह एडवांस मॉडिफिकेशन ऑफ वुट स्टोन ब्रिज होता है दोस्तों। इसमें लोड रेसिस्टेंस का यूज करते हैं टू फाइंडिंग द रेसिस्टेंस। तो यह हमारा क्लियर है दोस्तों। दोस्तों हमारा फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए हमारा वाइन्स ब्रिज था, तो वाइन ब्रिज का हम लोग जानते हैं दोस्तों कि उसका फॉर्मूला जो होता है 1/2 2 पाई रूट अंडर एफ वन इंटू एफ टू आर वन इंटू आर टू होता है दोस्तों। तो वाइन्स ब्रिज का इसमें हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं, उसको दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए दोस्तों। यदि आपको यदि अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग क्या इसमें कमियां है, क्या ये है, तो जरूर बताइएगा दोस्तों। इसलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।